देखिए बेल पहाड़, उधर आगे है बेल पहाड़, पूरा सिटी है उधर। हम लोग इधर चल जाएंगे अभी झारसुगुड़ा की तरफ में, जा रहा पूरा देख सकते हैं इधर पूरा सागवान का पेड़ है भाई। एक ऑटो देखिए दोस्तों, एक तो बस इतना देर में दोस्तों इधर है साइड में, इधर देख सकते हैं हिमगिर रेलवे स्टेशन है ये छोटा सा उड़ीसा का। और इधर हम लोग अभी जा रहे हैं झारसुगुड़ा की तरफ में, काम है इसलिए उधर झारसुगुड़ा जा रहे हैं हम लोग। और देख लीजिए भाई हिमगिर कुछ ऐसा है, यहाँ सैनिक माइनिंग है भाई दोस्तों। हिमगिर स्टेशन के जस्ट बगल में है, उसको कनिका बोलते हैं। और इस टाइप का छोटा मोटा दुकान भाई, पीछे साइड भी था दिखला नहीं पाया मैं। और इधर से हम लोग जा रहे हैं झारसुगुड़ा, देख लीजिए पूरा जंगल जंगल आपको आगे मिलेगी भाई। तो कनिका यहाँ प्रसिद्ध है भाई, माइंस है यहाँ बहुत सारे, लोग रहते हैं यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर में दुलंगा माइंस है। बस इसका आगे से चालू हो जाएगा भाई जंगल, ये साइड में देख सकते हैं जंगल, सखुआ का पेड़ मिलेगा सिर्फ। और इधर से राइट साइड बाएं साइड में जाते हैं दुलंगा माइंस की तरफ में। और ये भाई देखिए ट्रेन पार हो, जस्ट इसके बगल में है हिमगिर रेलवे स्टेशन, छोटा सा रेलवे स्टेशन है, पैसेंजर ट्रेन सब रुकती है अधिकतर यहाँ, दो चार को ट्रेन चलती है मात्र। कौन कौन मुझे देख रहे हैं भाई हिमगिर से मुझे बतलाइएगा कमेंट करके। आइए दोस्तों हिमगिर संपार, और इधर से ट्रेन पार हो रही है, हमारी गाड़ी रुकी हुई भाई, और वो ट्रेन है जो चल रही है मालगाड़ी है वो, और उस पार हम लोग जाएंगे। पार हो गई, अब गेट खुलेगा तो जाएंगे हम लोग। संपार खुलने के बाद में हम लोग चल गए हैं, हम लोग जा रहे हैं, ये है बेल पहाड़ रोड, जस्ट आगे है इसका बेल पहाड़। और इधर भी आगे जाइएगा ना, पूरा जंगल जंगल दिखे आप लोग को, प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा मिलेगा भाई इधर देखने को। जस्ट हम लोग संपार पार किए हैं, और इधर से अब जंगल चालू हो गए, घनघोर जंगल है इधर जस्ट इसका आगे, और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, मिलेगी जंगल आपको बेल पहाड़ जाने के क्रम में हिमगिर से। देखिए भाई साहब यह जबरदस्त घनघोर जंगल है, बेल पहाड़ जाने के क्रम में आप लोगों को कोई गाड़ी वगैरह जल्दी मिलेगी नहीं। पेड़ ही पेड़ है, और ग्रामीण क्षेत्र है इधर, घर भी नहीं दिख रहा है, उधर दिखा है तो सुंदर नज़ारा दिख रहा है भाई। इधर खेत वगैरह है थोड़ा बहुत मेरा बाएं साइड में, भाई इक्का दुक्का घर दिख रही है, खपड़ेल का घर है देख सकते हैं, बहुत दिन बाद देखा भाई खपड़ेल का घर। कौदरहा है गांव, कौदरहा गांव। उड़िया भाषा में लिखा हुआ तो समझ में नहीं आ रहा भाई, मुझे तो पहली बार मैं उड़ीसा का ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि आया हुआ था काम से, चलो दोनों काम हो जाएगा मेरा ऐसे करके। एक ऑटो दिखी दोस्तों, एक तो बस इतना देर में एक ही ऑटो दिखी है, देखिए जंगल। इस रोड से भी गया छोटा छोटा रोड जो कि ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ती है। झारसुगुड़ा यहाँ से 26 और बेल पहाड़ है 10 किलोमीटर, साइड में देख सकते हैं घनघोर जंगल है भाई। देखिए अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पेड़ ही पेड़ सिर्फ है, और एक गाड़ी और आई, और मेरा इस साइड में दिखलाता हूँ मैं, देखिए पूरा घनघोर जंगल है, इसमें घुस नहीं पाइएगा, जगह ही नहीं है जाने का, देख सकते हैं। तो इधर आगे जा रहे हम लोग दोस्तों,
तो यह है उड़ीसा का ग्रामीण क्षेत्र। देखिए हम लोग अभी हिमगिर से जा रहे हैं बेलपहाड़ की तरफ में, तो ये गांव मिला भाई, कौन सा गांव पता नहीं मुझे अभी। यदि आप लोग उड़ीसा से देख रहे होंगे यदि इस क्षेत्र से, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इधर भी है जंगल, जंगल पूरा उधर खेत खलिहान सब हैं। अरे गाजन है भाई राधो बगीचा, इंग्लिश में लिखा हुआ समझ में आ गया, उड़िया भाषा में मुझे समझ में नहीं आ रही भाई कि क्या क्या लिखा हुआ है। और इधर का रोड बवासीर हो गया भाई, देख सकते हैं। और नदी है ये, लोग नहा भी रहे हैं देख सकते हैं इधर। बहुत ज़्यादा ब्रेकर दिया गया भाई, देख सकते 30-40 ब्रेकर हम लोग अभी पार कर गए हैं। इधर पूरा देख सकते हैं, इधर पूरा सागवान का पेड़ है भाई, सागवान जिसे बोलते हैं सागवान। बेल पहाड़ 1940 यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, बेल पहाड़ 1940। हम लोग पहुँच गए हैं बेल पहाड़, और समझ में नहीं आ रहा भाई यहाँ क्या क्या लिखा हुआ, वो समझ ही नहीं आ रहा। इंग्लिश में लिखा हुआ वो समझ में आ रहा, तो ये है भाई बेल पहाड़ देख सकते हैं। इधर से स्टार्ट हो जाती है, टाउन टाइप का है, आगे मिलेगी आपको शहर, ज़्यादा भी ग्रामीण क्षेत्र ही है। बेल पहाड़ में आपको हॉस्पिटल वगैरह, होटल्स वगैरह ठहरने के लिए मिल जाएगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। रहना सा जो मेरा था भाई यहाँ से जस्ट आगे, और तो है शहर को दिखलाता हूँ मैं थोड़ा सा आपको झलक। सही है भाई दोस्तों, बेल पहाड़ शहर, रेलवे स्टेशन है बेल पहाड़ का जस्ट आगे में, बायां साइड में देख सकते हैं। ये रही बेल पहाड़ रेलवे स्टेशन, यहाँ से एंट्री करते हैं। देखिए बेल पहाड़, और इधर से हम लोग आगे और जाएंगे, हम लोग सिटी मिलेगी थोड़ा सा, दुकान वगैरह अच्छी है खासी है आगे। हाँ दोस्तों, बेल पहाड़ आती है आपका झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में, म्यूनसिपालिटी है यहाँ, नगर पालिका है, नगर पालिका के अंतर्गत में आती है बेल पहाड़। SBI बैंक वगैरह भी मिल जाएगी, बैंक ऑफ इंडिया है दाहिना साइड में, और इस टाइप का है। देखिए आगे तो पूरा दुकान वगैरह दिख रही है, बहुत सारी जलपान वगैरह भी मिल जाएगी आपको, बायां साइड में है जलपान करने के लिए। फल वगैरह की दुकान तो छोटी छोटी जगहों में रहती है, तो थोड़ा बड़ी है भाई, कपड़ा वगैरह ले सकते हैं। देखिए वहाँ अच्छी खासी दुकान है इस सब साइड में, ऐसा बेल पहाड़। उधर आगे है बेल पहाड़, पूरा सिटी है उधर, और हम लोग इधर चल जाएंगे अभी झारसुगुड़ा की तरफ में जा रहे हैं। इधर से झारसुगुड़ा पहुंच जाएंगे हम लोग, रेलवे सम पार कर रहे हैं हम लोग, बस यहाँ से अब आगे स्टार्ट कर देते हैं, रोड सही है आगे से। अच्छा, और दाहिने साइड में जो ओवर ब्रिज दिखला पाए आप लोग को, उसमें से आप लोग रायगढ़ वगैरह निकल जाइएगा, और मेन रोड जो है भाई झारसुगुड़ा जाने का है। इधर से हम लोग झारसुगुड़ा जा रहे हैं, और ये जो रोड है ना बाईपास रोड है बेल पहाड़ का झारसुगुड़ा जाने के लिए, तो बाईपास होकर के ही हम लोग जा रहे हैं जूना डीही। झारसुगुड़ा यहाँ से एयरपोर्ट जो है 25 है, झारसुगुड़ा शहर जो है 90 किलोमीटर है, और यही जाती है भाई देख सकते हैं रायगढ़ छापा की तरफ में, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है देख सकते हैं। बस वगैरह चल रही है यहाँ भी, झारसुगुड़ा से आ रही है बेल पहाड़ को जा रही है। पहली बार आ रहा हूँ, अच्छी लग रही है भाई इधर भी मुझे, पहली बार ब्लॉग बना रहा हूँ इधर का। और ये रोज है खड़गपुर भी चली जाती है, 450 किलोमीटर है खड़गपुर, और थैंक्स फॉर विजिट बेल पहाड़ यहाँ लिखा हुआ है। तो बेल पहाड़ को देखने के लिए धन्यवाद, विजिट करने के लिए। और इधर
धूल ज़्यादा उड़ रही भाई, लेकिन रोड में बहुत धूल है। और दोस्तों यहाँ से चालू हो जाती है ब्रजराज नगर, वेलकम कर रही है आप लोग का। इधर से ब्रजराज नगर चालू हो जाती है, जस्ट इसका आगे है आपका झारसुगुड़ा। तो ब्रजराज नगर में ही हम लोग रुक जाएंगे, झारसुगुड़ा बाद में जाएंगे हम लोग। और यहाँ से हम लोग जाने लेंगे भाई, आगे बहुत धूल है देख सकते हैं। और इधर से हम लोग शॉर्टकट मार के जा रहे हैं भाई ब्रजराज नगर, एक भैया रहते हैं उनके घर में जा रहे हैं हम लोग, शॉर्टकट मार दे रहे हैं। बहुत सारे यहाँ ट्रक चल रही है भाई, बहुत राजनगर है भाई ये। यह है भाई हॉस्पिटल, ये देख सकते हैं केंद्रीय चिकित्सालय है, सेंट्रल हॉस्पिटल है, इप का वैली एरिया। और दोस्तों ये रास्ते में ये काली मंदिर है देख सकते हैं, अच्छी खासी भाई, पूरा आपका कौन सा कल्चर में, उड़ीसा के कल्चर में बनी हुई है मंदिर देख सकते हैं। इधर का मंदिर दूसरे टाइप का है, छत्तीसगढ़ से दूसरे टाइप का रहती है भाई इधर का मंदिर। दोस्तों इधर जो है वो इधर है, ये सब जो क्वार्टर दिख रहे हैं ना, MCL का क्वार्टर है भाई, महानदी कोल लिमिटेड इसका कॉलोनी है भाई, इसका MQ टाइप का क्वार्टर है इधर, ये देख सकते हैं आपका ये गली है उसका। और यही सब क्वार्टर है भाई, कॉल कर्मी सब रहते हैं यहाँ। ये है दोस्तों ब्रजराज नगर, उड़ीसा के भाषा में लिखा हुआ है, इधर तो हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में, देखिए ब्रजराज नगर, आई लव ब्रजराज नगर।